कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया, वेल डन गाइस, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस आई है, कमाल की परफॉर्मेंस आई है, और इस सीरीज में टेस्ट मैच को खेलने का एक नया तरीका भी देखने को मिला है। इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज खेली, जिसमें पहले मैच को उन्होंने 280 रन से जीता था। इंडियन टीम ने पहला मैच 280 रन से हराया था बांग्लादेश को, और दूसरा मैच ग्रीन पार्क में 27 सितंबर से शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की अगर हम बात करें, तो पिछली टेस्ट सीरीज काफी अच्छा खेल कर आए थे, पाकिस्तान को उसके घर में मार कर आए थे, उसको वहां पर हरा कर आए थे। अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी टोन के साथ वो इंडिया आए थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इंडिया में 17 बार उनके साथ ऐसा हो चुका है, अभी तक बांग्लादेश इंडिया में मैच नहीं जीती है। तो यहाँ पर बांग्लादेश अपना जोर आजमाने आई थी, लेकिन इंडिया ने उनको धो डाला 280 रन से पहले मैच में, और सेकंड मैच शुरू हुआ 27 सितंबर से, वो कानपुर में खेला गया, और दूसरा मैच खेला गया 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, और इंडिया ने वहां पर टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। क्योंकि बॉलिंग करने का फैसला टेस्ट मैचेस में, वो भी इंडिया में, बड़ा ही कम देखा जाता है, और ये फैसला रोहित शर्मा ने केवल पॉइंट टेबल को नजर में रखते हुए लिया, क्योंकि उनको यहाँ पर दोनों मैचों में विनिंग चाहिए थी, और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और काफी हद तक वो फैसला इंडिया के हक में बेहतर साबित हुआ। इंडियन टीम की तरफ से कोई बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन बांग्लादेश ने दो बदलाव किए थे अपनी टीम में। लेकिन ओपनिंग करने आए शादमान और जाकिर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 9वें ओवर में आकाशदीप की बॉल पर जाकिर आउट हुए बिना कोई रन बनाए, और 13वें ओवर में शादमान को आकाशदीप ने आउट कर दिया। अगर देखें, बांग्लादेश 2 विकेट पर 29 ही रन बना पाया था। ये हालत बांग्लादेश की थी। जो कॉन्फिडेंस बांग्लादेश पाकिस्तान से लेकर आया था, वो यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद बांग्लादेश की जो बैटिंग थी, उसको थोड़ा सा संभाला मोमिनुल और नजमुल ने। काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, काफी इम्पैक्ट नजर आ रहा था। दोनों ने 50 रन की पार्टनरशिप की, और शांतो को 31 रन पर अश्विन ने वहां पर बड़ा झटका दे डाला, उनको वहां पर आउट कर डाला इस विकेट के साथ। पहले दिन का जब गेम चल रहा था, उसके बाद केवल 35 ही ओवर का मैच हो पाया था। बारिश के कारण, बैड लाइट के कारण डे में, पूरे दिन में कोई मैच नहीं हो पाया था। डे सेकंड में भी कोई एक भी बॉल नहीं फेंक पाए थे, और डे थर्ड में भी थोड़ा ग्राउंड गीला था, थोड़ा सा बादल थे, बैड लाइट था, उसकी वजह से वो दिन कोल्ड ऑफ किया गया था। लेकिन चौथे दिन का जब मैच शुरू हुआ, तो चौथे दिन में 98 ओवर्स का मैच डिसाइड किया गया, और 30 मिनट एक्स्ट्रा जो दिए गए थे वो टीम को दिए गए थे। रहीम और हक बैटिंग करने के लिए उतरे, उधर से इंडिया की तरफ से आकाशदीप बॉलिंग की शुरुआत करने आए, लेकिन शुरुआत एक नॉर्मल सी रही। लेकिन बुमराह ने 41वें ओवर में मुशफिक रहीम को आउट कर दिया 11 रन पर। बहुत ही कमाल की इनकमिंग बॉल थी, ऑफ पिच होने के बाद अंदर आई और रहीम ने उसको लेफ्ट कर दिया था, और क्लीन बोल्ड हो गए थे। फिर मोमिनुल हक ने अश्विन की बॉल पर बाउंड्री, कमाल की बाउंड्री लगाई, और अपना 13वां शतक पूरा किया बांग्लादेश के लिए। बहुत ही कमाल की इनिंग खेली उन्होंने बांग्लादेश के, स्कोर 200 रन पर चला गया था। इंडिया बॉलर्स मोमिनुल हक ने 194 बॉल में 107 रन बनाए, कमाल की बल्लेबाजी की इसमें, और कैप्टन शांतो ने भी 31 रन का योगदान दिया। लेकिन उसके बाद कोई भी बैट्समैन कोई खासा प्रभाव डाल नहीं पाया, कंट्रीब्यूशन उतना कुछ रहा नहीं। लेकिन अगर हम देखते हैं, तो अश्विन ने 2 विकेट 45 रन देकर लिए, और शांतो और शाकिब उल हसन का आउट उसमें शामिल था। इंडियन बॉलिंग की अगर हम बात करें, तो कमाल का लाइनअप रहा, बहुत ही सूझबूझ के साथ इस मैच में बॉलिंग की, क्योंकि पहले दिन में 35 ओवर होना और उसके बाद 2.5 दिन का प्ले बंद हो जाना, मतलब आधे दिन ऐसे ही वेस्ट हो गए थे। लेकिन चौथे दिन जब मैच शुरू हुआ, 36 ओवर जब प्ले आया वहां पर टेस्ट मैच का, तो इंडियन बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग की, जहां पर जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें, तो उन्होंने 3 विकेट 50 रन देकर लिए, और अगर आकाशदीप की हम बात करें, तो 43 रन देकर 2 विकेट उन्होंने हासिल की। बॉलिंग की अगर हम बात करें, तो बड़ा ही कमाल का सेशन रहा। चौथे दिन सुबह वाला जो सेशन था, काफी इफेक्टिव रहा और काफी कमाल का रहा, जिससे इंडिया की टीम की कमबैक वहां से हुई और गेम बना वहां से चौथे दिन का, क्योंकि 2.5 दिन का प्ले खत्म हो गया था 35 ओवर पहले दिन में। लेकिन उसके बाद कमबैक करना और ऐसी सिचुएशन में लाना कि मैच जीत जाए, वो काबिल तारीफ था। लेकिन वो मॉर्निंग सेशन इंडियन टीम के नाम रहा।
सो जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट और बाकी मोहम्मद सिराज हो, अश्विन हो या आकाशदीप, इन्होंने 2-2 विकेट ले, लेकिन जडेजा ने 1 विकेट लेकर अपना 300वां टेस्ट विकेट कंप्लीट कर लिया, एक पड़ाव उन्होंने और पार कर लिया, 300 विकेट पूरे हो गए उनके। अब अगर बात इस टेस्ट मैच में जो पहली इनिंग खत्म हुई, चौथे दिन जाकर मॉर्निंग सेशन में ये इनिंग खत्म हुई, 233 रन पर बांग्लादेश ऑल आउट हुई चौथे दिन के मॉर्निंग सेशन में। अगर हम बात करते हैं टेस्ट मैच की, तो पहले दिन 35 ओवर और 2.5 दिन का ऑफ, उसके बाद जब चौथे दिन जब मैच शुरू होता है तो एक ही सेशन में इंडियन टीम ने बांग्लादेश को ध्वस्त कर डाला, 233 रन पर ऑल आउट कर डाला। इंडियन टीम की ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा, जायसवाल, वो ऐसा लग रहा था कि उनका इंटेंट दिख रहा था कि किस तरीके से इंडियन टीम इस टेस्ट मैच में जाने वाली है। कमाल की इस टेस्ट मैच में बैटिंग की है इंडियन बैट्समैन ने, एक अलग ही रवैया, एक अलग ही तरीके से इस टेस्ट मैच में बैटिंग की गई है, क्योंकि इंडियन टीम को होम कंडीशन में मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए, उस अप्रोच को देखते हुए, उस पॉइंट टेबल को देखते हुए ये अप्रोच नजर आ रहा था और क्लियर इंटेंट दिख रहा था कि इंडिया मैच जीतने आई है यहाँ पर। तो रोहित शर्मा और जायसवाल जब बैटिंग करने के लिए, कमाल की बैटिंग की दोनों ने और पहले ही 3 ओवर में 50 रन ठोक डाले। अगर हम रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, तो टेस्ट मैच की पहली जो बॉलें जो फेस की हैं उन पर छक्का लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं टेस्ट मैच में। इस टेस्ट मैच में एक माइलस्टोन और पार किया है रविंद्र जडेजा ने, 3000 रन और 300 विकेट लेने वाले भारतीय तीसरे गेंदबाज बन गए हैं, तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं। अगर देखा जाए तो उनसे आगे अश्विन और कपिल देव नजर आते हैं। अगर देखते हैं तो ये रविंद्र जडेजा ने अपना नाम इस लिस्ट में दर्ज कर लिया और ये तीसरे नंबर पर आ गए हैं, 3000 रन और 300 विकेट लेने वाले हैं। 3 ओवर में 50 रन, ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट 50 टीम की मानी जाती है, और जो ये इंटेंट दिखाया गया उसके बदौलत पहले नंबर पर आ गई है 50 रन, 3 ओवर में 50 रन की पार्टनरशिप। और उसके बाद अगर मिराज ने कम बैक किया, रोहित शर्मा को आउट किया, 23 रन पर रोहित शर्मा आउट हुए और यहाँ पर पार्टनरशिप जो थी वो ब्रेक हुई थी, लेकिन उसके बाद जायसवाल के जो तेवर थे वो सेम ट्रैक पर चल रहे थे, क्योंकि टीम ने डिसाइड किया था इस ही इंटेंट पे खेलना है, इस ही तरीके से खेलना है। अगर हम बात करें 31 बॉल पर जायसवाल ने अपनी 50 पूरी की और टीम का स्कोर 10 ओवर एक गेंद में 100 रन पहुंच गया था, ये भी एक टीम की फास्टेस्ट 100 स्कोर थी अगर देखा जाए टेस्ट क्रिकेट में। तो ये इंडियन टीम ने डिसाइड किया था किस इंटेंट पे खेलना है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे थे। जायसवाल 72 रन बनाकर आउट हुए, अगले बैट्समैन जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती गई और इंडियन टीम 150 रन 18.2 ओवर में कंप्लीट करने में कामयाब हुई। ये भी टेस्ट क्रिकेट का सबसे फास्टेस्ट 150 स्कोर था। अगर हम बात करें पहले के स्कोर की, तो 21 ओवर एक बॉल में जो एक नंबर पर रिकॉर्ड था 150 रन पूरे करने का टेस्ट क्रिकेट में, वो इंडिया टीम ने ब्रेक किया। 150 रन कंप्लीट करने का रिकॉर्ड, इससे पहला रिकॉर्ड भी जो पहले नंबर पर था वो इंडिया का ही था, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया गया था और वो पोर्ट ऑफ स्पेन में बनाया गया था 21.1 बॉल में। उसी को रिकॉर्ड को तोड़कर इंडिया ने 18.1 बॉल में 150 रन कंप्लीट करने का रिकॉर्ड दोबारा से अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने छक्का मारकर टीम के 200 रन कंप्लीट किए और वो भी 24.2 ओवर में, ये भी एक फास्टेस्ट 200 रन का रिकॉर्ड था। और उसी के साथ विराट कोहली ने अपने 27,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बनाने वाले प्लेयर बन गए। 535 मैचेस में इन्होंने ये 27,000 रन इंटरनेशनल कंप्लीट किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन विराट कोहली। अगर हम बात करें 50 रन सबसे तेज, 100 रन सबसे तेज, 150 सबसे तेज और 200 रन भी सबसे तेज इंडियन टीम ने इस मैच में रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो इस मैच में ये मैच ज़्यादातर रिकॉर्ड्स बने हैं, उधर अश्विन ने अपना रिकॉर्ड बनाया, जडेजा ने अपना रिकॉर्ड बनाया, विराट कोहली ने यहाँ पर अपना रिकॉर्ड बनाया है, केएल राहुल ने भी यहाँ पर अपना रिकॉर्ड बनाया और टीम पूरी अगर टीम का भी हम देखते हैं तो यहाँ पर टीम ने भी अपने 4-5 अपने एक नए रिकॉर्ड बनाए हैं।
इतने सारे रिकॉर्ड बने, इतने सारे रिकॉर्ड टूटे यहाँ पर। लेकिन अगर हम बॉलिंग की अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तरफ से मेहंदी हसन ने 4 पे 40 रन देकर 4 विकेट लिए हैं, और वहां पर शकीब अल हसन की अगर हम बात करें तो 78 रन देकर 4 विकेट किए। और हमारा जो लोअर ऑर्डर था वहां पर हमारे इंडियन लोअर ऑर्डर को उन्होंने जल्दी आउट कर लिया। लेकिन जब सेकेंड इनिंग में वो बैटिंग करने के लिए उतर टाइम था, और जो लास्ट के कुछ ओवर्स थे वहां पर वो लोग बैटिंग करने के लिए उतरे, लेकिन अश्विन ने अपना जादू फिर से चलाया और दोनों ओपनर्स को चलता किया, और 26 रन पर 2 विकेट के साथ चौथा दिन प्ले खत्म हुआ। वहां पर 4 दिन का गेम कंप्लीट हुआ। बांग्लादेश ने केवल 26 रन बनाए, 2 विकेट। डे 5 जब मैच शुरू होता है, कमाल का शुरुआत हुआ। रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर में 3 काफी खतरनाक झटके दिए और बांग्लादेश को मुश्किलों में डाल दिया, बैकफुट पर धकेल दिया। आकाशदीप ने साजमान को एक बार फिर आउट किया, लेकिन 5 रन बनाए उन्होंने 101 बॉल में। गली पर वो आउट हुए, जायसवाल ने उनको कैच किया। मुशफिकुर रहीम एक एंड पर टिके हुए थे, लेकिन बांग्लादेश के दूसरे एंड पर कोई बैट्समैन उनका साथ नहीं दे पा रहा था। जसप्रीत बुमराह की लाइन और लेंथ के सामने सब इनका लोअर ऑर्डर बिखर चुका था। जसप्रीत बुमराह ने जब अपना कमाल दिखाया, कमाल की बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में। जसप्रीत बुमराह की बॉल पर मुशफिकुर रहीम 37 रन बनाकर आउट हुए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने स्ट्राइक लेना शुरू किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। अगर इंडियन बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अश्विन ने 3 लिए, जडेजा ने 3 विकेटें ली, बुमराह ने 3 विकेटें ली, ये 9 विकेट शेयर की गई यहाँ पर। और अगर हम बात करें इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, तो कमाल कर रहा है। 5वें दिन भी इन्होंने सॉलिड बॉलिंग की और अपनी टीम के लिए कम से कम स्कोर पर बांग्लादेश को आउट कर लिया, और केवल 95 रन का टारगेट इंडियन टीम के सामने था। इंडिया टीम के सामने 95 रन का टारगेट था। बहुत ही जल्दी बॉलिंग लाइनअप ने उनको सपोर्ट किया और 95 रन का टारगेट दिया, और दोनों ही ओपनर करने आए शुरुआत। लेकिन रोहित शर्मा कुछ खास कर नहीं पाए, शुभमन गिल उनके बाद आउट हुए, लेकिन जायसवाल के सेम तेवर नजर आए। जायसवाल ने जो बैटिंग की सेम मूड में की, और दोनों इनिंग में 50 रन बनाए। इस इनिंग में ही 43 बॉल में अपना 50 पूरा किया, और जायसवाल का ये टेस्ट मैच में 7वीं हाफ सेंचुरी थी। अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत आए वहां पर, ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और बांग्लादेश को लास्ट बाउंड्री मारकर अपना मैच को फिनिश किया। और इंडियन टीम ने ये मैच जीत कर सीरीज को क्लीन स्वीप देकर WTC फाइनल के तरफ और अपना मजबूती की तरफ कदम बढ़ाया, और WTC फाइनल पॉइंट टेबल में भी काफी आगे चले गए हैं। तब देखना ये होगा कि अपकमिंग सीरीज जो होंगी वो कैसी होगी। पॉइंट टेबल तो और मजबूत कर लिया इंडियन टीम ने पॉइंट टेबल में मजबूती के साथ, लेकिन मजबूती वहां पर दिखती है जो इंडियन टीम ने इंटेंट दिखाया। 2-2.5 दिन की बारिश हुई वहां पर, मैच बंद रहा, लेकिन उसके बाद भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आई है प्लेयर्स की निकल कर। अगर हम देखें इस सीरीज में, तो स्पेशली इस मैच में अगर हम देखें, तो 2 दिन से ज्यादा का खेल बंद होने के बाद भी इंडियन टीम ने वो इंटेंट दिखाया, वो गेम दिखाया, और 2 से 2.5 दिन के बीच में टेस्ट मैच का रिजल्ट लेकर पॉइंट टेबल में अपनी और ज्यादा मजबूत पकड़ बना ली है। और प्लेयर ऑफ द मैच अगर हम यहाँ पर देखें तो जायसवाल को बनाया गया, और प्लेयर ऑफ द सीरीज अश्विन को यहाँ पर घोषित किया गया। और ये इंडियन टीम की जो होम सीरीज जीतने की परंपरा चल रही थी उसको भी कायम किया, उसको भी मेंटेन किया है, और इस सीरीज को क्लीन स्वीप करने के बाद 18वीं सीरीज क्लीन स्वीप करके अपने नाम की है। तो ये विनिंग जो विनिंग परंपरा चलाते आ रहे हैं वो अभी तक बरकरार है। अगली होम सीरीज में ये देखा जाएगा कि ये 19 होंगे या 18 रहेंगे। फिलहाल 17 से 18 इंडिया ने अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर कमाल के कैरियर रखने वाले साकिब अल हसन ने एक अनाउंसमेंट किया है। 37 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हमारी जो होम सीरीज होगी वो उनकी आखिरी होम सीरीज होगी, और वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा बोल देंगे। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ी एक खबर है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही मायूसी वाली बात है। इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहा है, ये बहुत शॉकिंग है उनके लिए। और मैं कहता हूँ
जो कैरियर रहा है उनका बड़ा कमाल का रहा है, बड़ा ही अच्छा बांग्लादेश को उन्होंने, कंट्री के लिए सर्विस दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले मैचेस और उसके बाद वाली लाइफ उनकी और भी अच्छी जाए। दो मैच की ये सीरीज खेली गई और दोनों मैच इंडियन टीम ने जीते हैं और कमाल के इंटेंट नजर आए हैं, कमाल की परफॉर्मेंस नजर आई है। यहाँ पर क्रिकेट डिफरेंट टाइप का खेला गया है, स्पेशली जब हम सेकंड मैच की बात करते हैं तो, लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। मैं कहता हूँ वेल डन इंडियन टीम, वेल डन बॉयज। लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश का इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था, पाकिस्तान को उनके घर में हरा कर आई थी, उनका एक मॉरल अच्छा था, उनका इंटेंट अच्छा था, उनका अप्रोच अच्छा नजर आ रहा था शुरू में, पहले मैच में अच्छा अच्छा रिदम से नजर आ रहे थे। लेकिन इंडियन टीम के सामने क्या रिस्पॉन्स देते हैं कि भाई ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और उनको पता चल चुका होगा कि 17 बार होम सीरीज जीत चुके थे और ये सीरीज भी उन्होंने अपने नाम करी, अब 18 बार हो चुकी है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंडियन टीम की जो विक्ट्री रही है, क्लीन स्वीप की है इसमें, और पॉइंट टेबल में भी मजबूती बना ली है। सो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत मज़ा आया मैच देखकर, क्योंकि टेस्ट मैच में ऐसे ऐसे टाइप के टेस्ट मैच बहुत कम देखे जाते हैं, स्पेशली सेकेंड वाला जो टेस्ट मैच खेला गया। कमाल का इंटेंट, कमाल की अप्रोच रही है और कमाल की परफॉर्मेंस रही है। वेल डन बॉयज, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया, वेल डन।